ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो लगातार वीजा से इस मंथ, पिछले मंथ, उससे पिछले मंथ से आ रहे हैं, लगातार बच्चे यूके ट्रैवल कर रहे हैं। तो ट्रैवल को लेके ही छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, ताकि आप थोड़ा सतर्क होकर ट्रैवल करें, ताकि आप थोड़ा नॉलेजेबल होकर ट्रैवल करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मतलब यूनिवर्सिटी का था ही नहीं, एम्बेसी का आया नहीं, तो उन्होंने कभी कोई प्रेपरेशन ही नहीं की है। तो आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स कि भाई जब आपने एयरपोर्ट पे उतरना है तो आप उतने ही डॉक्यूमेंट्स कैरी करें जितने रिक्वायर्ड हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या हैं? आपके सारे एकेडमिक्स और आपका कास्ट लेटर, ऑफर लेटर, और आपका जो ईमेल था उसको अपने फ़ोन में सेट कर ही जाएं, उसकी सारी ईमेल्स कम्युनिकेशन पढ़कर जाएं, ताकि आप अच्छे से अपने केस के बारे में अवेयर हों। आप जाकर कहाँ रह रहे हैं, वहाँ से यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, उसका भी आपके पास आंसर होना चाहिए। अगर ज़्यादा दूर है तो आप वहाँ पर बता सकें कि मैं नज़दीक अकोमोडेशन ढूंढ लूँगा जाने के बाद, ठीक है नहीं। यूनिवर्सिटी का एड्रेस, कोर्स की डिटेल्स अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब आप यूके एयरपोर्ट पे उतरते हैं, चाहे लंदन चाहे बर्मिंगम, तो ऐसी क्रॉस वेरिफिकेशंस की जाती हैं बच्चों से, और आजकल थोड़ी ज़्यादा ही हो रही हैं। सो आई एडवाइस कि अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर जाएं पूरी डिटेल के साथ। जो बच्चे तो ऑलरेडी इंटरव्यूज़ क्लियर करके जा रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ का चाहे एम्बेसीज़ का, तो उनकी तो प्रेपरेशन ऑलरेडी बाई डिफ़ॉल्ट है। बट जिनकी नहीं है वो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर ध्यान देकर जाएं। अभी कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है, बट ये है कि आप लोग अवेयर हों, ताकि आपने चाहे कहीं से भी अप्लाई किया, कहीं से भी वीज़ा लिया, ज़रूरी यह है कि हर बच्चा सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। आगे जो इंटेक है नवंबर और जनवरी, जिसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। नवंबर के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे पास ऑप्शन है जहां 10+2 स्टूडेंट सीधा फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में जा सकता है, और जो ऑलरेडी ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो अपने स्पाउस के साथ यूके जा सकता है। और इसकी एडमिशन्स अगले 10 दिन तक चलेंगी, मतलब तकरीबन 15 से 20 तारीख के बीच तक। उसके बाद यहाँ पर और सीट्स में बच्चे नहीं लिए जाएंगे, बिकॉज ये टोटल ही दोनों कोर्सेज को मिला के ही 140 सीट्स हैं जिनमें आप जा सकते हो। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर आप यूके जाना चाहते हैं, प्लस टू के बाद जाना चाहते हैं और सिर्फ एक साल पढ़ना चाहते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं, सितंबर इनटेक मिस कर चुके हैं, परिवार के साथ जाना चाहते हैं, तो भी ये नवंबर इनटेक आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ब्रॉडवे से अप्लाई करते हो तो हमेशा के तेरे लिए रिस्क फ्री रहता है ब्रॉडवे आपके लिए। सो आप कहीं भी अप्लाई करो, चाहे गुजरात ऑफिस है, दिल्ली ऑफिस है, हरियाणा ऑफिस है, पंजाब या जम्मू ऑफिस है, या दूर से भी ऑनलाइन, आपको सारे पैसे आप दे सकते हो वीज़ा लगने के बाद। सो निश्चिंत और बेफिक्र होकर यूके स्टडी वीज़ा नवंबर इनटेक बिल्कुल मिस ना करें। सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम ब्रॉडवे से कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो दोस्तों, हमारे ऑफिसेज पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। हम जम्मू में, गुजरात में, न्यू दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, कई शहरों में हमारे ऑफिसेज हैं। फिर भी आप दूर से हो तो आप ब्रॉडवे के साथ ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो हमारी वेबसाइट broadwaystudy.com के जरिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट ब्रॉडवे के साथ होता ही है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके को लेके कि हम पैसे लेते हैं वीजा लगने के बाद। सो निश्चिंत होकर अप्लाई करो। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, अप्लाई चाहे आप कहीं से भी करो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस चैनल का मकसद है आपको रोज लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ जोड़ के रखना। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।